मेरा परिचय योगीराज कुमार नाथ जी, मैं शिष्य गुरुदेव महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी, कालका मंदिर पीठाधीश्वर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर से मैं आता हूँ और पूरे भारतवर्ष को लीड कर रहा हूँ उस समय। हमारा विश्व हिंदू महासंघ के जो मेन संस्थापक आदरणीय वैद्यनाथ महाराज जी थे और अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हमारा नेपाल में, उसके बाद आदरणीय हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्ष रहे, जब से संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे उसके बाद आदरणीय महंत सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी को इसका बनाया गया अध्यक्ष, उन्हीं के सिपाही हैं और पूरे भारतवर्ष में हम हिंदुत्व का प्रचार प्रसार संचार हिंदुओं के अंदर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू मजबूत हो गए आगे है, ये हमारा मेन विषय है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जिस तरह हम उपेक्षित देख रहे थे, सब लोग राजनीतिक रूप से आगे चल रहे हैं वो अपने मुद्दे को लेकर किसान, पर हम राजनीतिक रूप से नहीं, सही रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान हो, उसी लिए हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमारे साथ भाई सुनील पंडित जी और सह सचिव सोमेश भारद्वाज जी हैं और नवीन भाटी जी को हमने आज राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सबूत देना चाहता हूँ उन्होंने संगठन से अपना त्याग पत्र दे के और सर्व समाज के लिए, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री पूरे समाज का होता है, हर जाति धर्म का होता है और जो भी सरकारी योजना हो रही है उसका लाभ सभी उठा रहे हैं, कोई हिंदू तो उठा नहीं रहा, तो इसी से आप पता कर सकते हैं सभी के लिए मुख्यमंत्री सबका होता है और सभी योजना सभी के लिए होती है, सब कुछ कर। मैं सुनील शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा। ये किसान मोर्चा की जो आपने पूछा कि क्यों जरूरत पड़ी और आपने पूछा कि क्या सभी जाति कौम के लिए इसका फायदा होगा, तो मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसमें हमने आज अपने कमेटी राष्ट्रीय कमेटी में नवीन भाटी जी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, सबसे पहले तो मैं छोटे भाई को बधाई देता हूं और इससे हमें जो जरूरत पड़ी है बनाने की, इसलिए पड़ी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज बहुत अपने आप में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि पूरा राष्ट्र जान रहा है उनको, पूरा विश्व जान रहा है उनकी नीति और बढ़िया कार्य शैली को, तो उनके यहाँ तक जो किसानों की समस्याएं नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए हमारा जो किसान मोर्चा है विश्व हिंदू महासंघ का, इसके पदाधिकारी और इसके कार्यकर्ता माननीय योगी जी तक इनकी समस्या पहुंचाएंगे और तुरंत समाधान कराया जाएगा, वो किसी भी को मिला है। जैसा कि मेरे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बता दिया, तमाम तरह के संगठन काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, लेकिन एक ऐसे संगठन की भी आवश्यकता है कि जो सीधी बात अपनी रख सके अपने राजा के पास। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, वहां तक जो चीजें जाती हैं नीचे से, वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचते जो हम सौ चीजें बहुत सच्ची भेजते हैं ऊपर तक जाते जाते वो 90 गलत हो जाती हैं। तो विश्व हिंदू महासंघ का जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, इस पर जो इस रिपोर्ट बन के जाएगी वो यहाँ से लेके वहां तक 23 करेट की होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका निस्तारण भी किया जाएगा। सोमेश भारद्वाज, मैं राष्ट्रीय सह सचिव हूँ विश्व हिंदू महासंघ में और आज की जो ये मीटिंग है, हमारे भाई नवीन वाटी जी को किसान मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, उसी के पक्ष में है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाटी जी को के बहुत अच्छा, जैसे हम आज तक विश्व हिंदू महासंघ में करते आए, लोगों को जगाना, लोगों के साथ घर घर जाके अपने जोड़ना, वैसे मैं भाटी जी से भी उम्मीद करता हूँ कि किसान मोर्चे में किसानों को घर घर जाके जगाएंगे और अपने संगठन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। सर, किसानों के बहुत सारे संगठन बने, उनके साथ मिलकर काम करेंगे या अकेले काम करेंगे? हमारा उद्देश्य तो सबके साथ मिलकर चलना है, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा रहता है, हम अलग कुछ नहीं करना चाहते, समान विचारधारा के जो संगठन है वो हमारे साथ काम करेंगे और सभी का स्वागत है।